हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर में रनिंग की बात हो रही है. सो हाई ब्लड प्रेशर एक तुलना आप कर सकते हो कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है दैट मींस अगर आपके भार दे दिया गया आपके शरीर को कि अब आपका 10 साल का बेटा है बच्चा है उसको आपने गोद में उठा के घूमना है 10 साल का या 5 साल का. सो वो बच्चा 10 किलो 20 किलो का बच्चा आप उठा के घूम रहे हो तो आप वो पूरा जब भी आप घूम रहे हो एक एक्टिविटी एक एक्सरसाइज है आपकी. हो सकता है उस एक्सरसाइज में आपको मुश्किल हो आपको दिक्कत हो लेकिन सोचो अगर आप यही काम रोज कर रहे हो तो एक महीने बाद आपका शरीर अडेप्ट कर लेगा और वही काम आसानी से कर पाएगा. राइट वही काम आसानी से कर पाएगा. सो यही काम एक्सरसाइज करती है. हाई ब्लड प्रेशर एक तरीके से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया हार्ट पे जोर पड़ गया शरीर पे जोर पड़ गया. ये आपके कंट्रोल में नहीं है कितने देर तक है कब होगा कैसे होगा हाई ब्लड प्रेशर यू नेवर नो. लेकिन एक्सरसाइज आपके कंट्रोल में है. एक्सरसाइज करते समय वॉक करते समय रन करते समय जिम करते समय इंटेंशनली आपने अपने शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ाया आपने अपने शरीर का हार्ट रेट बढ़ाया और जब आपने वो बंद कर दी एक्सरसाइज तो आपका हार्ट रेट वापस नॉर्मल आ गया. अब यही चीज़ डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे इवन हफ्ते में 3 बार करने भर से भी शरीर को 4 से 6 हफ्ते में 8 हफ्ते में आदत हो जाती है अडेप्टेशन हो जाता है उस प्रेशर को झेलने के लिए. तो अब अगर आपका जब हार्ट रेट जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपका हार्ट आपका शरीर उसको झेल भी पाएगा उसको इजीली नॉर्मलाइज कर पाएगा और धीरे धीरे आपको दवा की ज़रूरत नहीं या कम पड़ेगी. सो समझ रहे हैं एक्सरसाइज का कितना बड़ा रोल है हाई ब्लड प्रेशर में. बिल्कुल वैसे ही आज तक मान लीजिए आपने कभी बच्चा नहीं उठाया कभी कोई भार नहीं उठाया और एक दिन आपको बोल दिया एक काम करो यार वो सामान उठा के ले आओ बहुत सारा किराना लेकर आया है सामान उठाया आपकी पीठ की वाट लग गई ऐसी तैसी होगी सांस फूलने लग गई दिक्कत होगी क्योंकि आज तक उठाया नहीं. सो रेगुलरली उठाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सेम गोज रेगुलर एक्सरसाइज हार्ट के लिए बीपी के लिए बहुत अच्छी है. राइट इसीलिए लोग कहते हैं एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए हार्ट रेट. हाँ अगर किसी वक्त आपका बीपी बहुत हाई है 180 है 160 है तो उसी वक्त जाके एक्सरसाइज नहीं करनी है. उस वक्त टारगेट है बीपी कम करना. फर्स्ट रिलैक्स पहले बीपी कम करिए डीप ब्रीदिंग करिए रिलैक्सेशन करिए बार बार बीपी 10-10 मिनट में चेक करिए नहीं रिलैक्स होने पर भी कम हो रहा दवा खाइए फिर दवा खाने के बाद बीपी कम होने के बाद जाके आपको एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज बीपी कम डायरेक्टली नहीं करती बीपी आगे चल के बढ़ने नहीं देगी. एक्सरसाइज का यहाँ रोल है प्रिवेंटिव रोल है. एक्सरसाइज इज अ मेडिसिन राइट इट्स नॉट अ क्योर फॉर दिस राइट नाउ. तब क्या बोले इसको वो नहीं है बीपी कम करने की कोई दवा नहीं है कि हाँ बीपी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता हूँ ऐसा नहीं है राइट. लेकिन बीपी ज़्यादा रहता है रेगुलरली एक्सरसाइज करने से बीपी कम रहने लगेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ exercise during high blood pressure.